हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ 3D। और मेरा नाम है शुभम धीमान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल है कि ZBrush में सबसे इजी वे से और 4K रेंडर कैसे निकालें 5 मिनट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से विड्थ एंड हाइट, तो ये 4K पे सेट कर देंगे और इसे रिसाइज कर देंगे और फिर कंट्रोल एन करके इसे हटा देंगे और फिर क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट को और एडिट मोड। तो अभी ये तो अभी मैं अपने सारे सब टूल्स ऑन कर लेता हूँ। ये भी ऑन कर लिया। ओके, तो मैंने सारे सब टूल्स अपने ऑन कर लिए। तो अभी रेंडर सेटिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, तो अभी फॉग ऑन कर लेते हैं, डिटेल क्वालिटी 4 पे सेट करते हैं, HD ज्योमेट्री और ये सब सेट कर लिया। तो चलिए अब रेंडर निकालते हैं, पोजीशन सेट करते हैं अपने कैरेक्टर की और सिंपली शिफ्ट प्लस आर क्लिक करिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज काफ़ी सारे सब टूल्स मटेरियल्स हैं, काफ़ी सारे और फाइबर मैश भी है हेयर्स वगैरह के लिए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो बस फाइनल रेंडर और ये रेंडर डन। तो चलिए अभी रेंडर को हम JPEG, PNG या जिस भी फॉर्मेट में आपको सेव कर रहे हैं तो वो यहाँ से करते हैं। तो जाइए रेंडर पास, BPR रेंडर पास और ये सबसे फर्स्ट पे। तो अभी इसमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें अभी ये प्रॉब्लम है कि हमने जब 4K किया तो जो हमारा सब टूल था या जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी मिड में था, तो अभी हमें यहाँ से वो काफ़ी छोटा था तो हमने उसे स्केल नहीं किया। तो अभी ये गलती हो जाती है, तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप 4K में रिसाइज करो तो वहाँ से जूम से जूम आउट कर लो, तो वो एकदम तो अपने ऑब्जेक्ट को मिड में से तो अपने ऑब्जेक्ट को मिड में से जूम कर लो। और अब आप अगर रेंडर निकालेंगे तो वो 4K आएगा 4K क्वालिटी में। तो अभी पोजीशन सेट करके दोबारा से शिफ्ट आर। तो अभी फटाफट से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये रेंडर डन। तो अभी जाइए और इसे PNG या JPG जो भी आपको सेव करना है उसमें कर लीजिए और ये सेव। और ये सेव कर लीजिए। तो ये आपका 4K रेंडर डन हो गया। तो
तो इसमें कोई इतना कोई खास लाइटिंग्स या कोई कुछ ये एडवांस लेवल का रेंडर नहीं है, ये जस्ट 4K और फास्ट रेंडर है, सिंपल रेंडर। तो ये देख लो क्वालिटी अच्छी है। मुझे करेक्टर एक्चुअली थोड़ा सा और स्केल करना था, बट ये थोड़ा बहुत बातों का ध्यान रखना और ऐसे, और ये रेंडर हो जाएगा। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।